ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि किस होटल या रेस्टोरेंट्स में आपको कितना जीएसटी देना है, 5% देना है, 12% देना है या 18% देना है। आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं वही आपको बता दे रहा हूँ। अब भी जो सर्विस चार्ज है आज हमारे बिल के साथ में आता है, सिर्फ लिकर इसमें शामिल नहीं है। जो सर्विस टैक्स है उसका हिसाब किताब डिफरेंट रहता है, क्योंकि उस पर अभी भी वैट वसूला जा रहा है। ऐसे में उन्हें लागत घटने का फायदा ग्राहक को भी देना चाहिए। देश भर में जीएसटी को लागू हुए लगभग आज 17-18 दिन हो गए, लेकिन 17-18 दिन बाद भी जीएसटी को लेकर पूरा कॉन्फ्यूजन बना हुआ है। आम आदमी और कारोबारी जानना चाहते हैं कि कहां पर कितना टैक्स लागू हो रहा है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले जीएसटी की जानकारी दी है। ऐसा ढाबा या रेस्टोरेंट जिसका सालाना टर्नओवर 75 लाख रुपए से कम हो वहां पर सिर्फ 5% जीएसटी लागू होता है। ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर एसी की सुविधा नहीं है और शराब भी नहीं परोसी जाती है वहां पर 12% जीएसटी लागू होगा। ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर एसी की सुविधा है और शराब भी परोसी जाती हो या फिर दोनों में से कोई एक सुविधा हो तो वहां पर 18% जीएसटी लागू होगा। रेस्टोरेंट की तरफ से बेचे जाने वाले खुले और प्री कूल नमकीन पर 12% जीएसटी लागू किया गया है। देश भर में किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी 28% जीएसटी नहीं है, केवल 5-स्टार होटल के रेस्टोरेंट में 28% जीएसटी लगेगा। तो ये हमने आपको बताया कि कहां पे आपको कितना जीएसटी लगने वाला है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।